आगे बात जरा अब जहां हम जम्मू कश्मीर के हालात की कर रहे हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर, जहां पर कुछ तंजीमों पर पाबंदी जो है वो लगातार बरकरार रखी गई है और माना जाता है, जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि ये जो तंजीमें हैं, इलाहदगी पसंद जमातें हैं, उन पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी बरकरार रहेगी और साथ ही साथ दिल्ली कोर्ट के एक अदालती ट्रिब्यूनल की जानिब से ये फैसला किया गया है और फैसले में ये कहा गया है कि ये मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है और साथ ही साथ कहा गया है कि इलाहदगी पसंदों को इन तंजीमों की जानिब से फरोग दिया जाता है, जिसकी वजह से उन पर जो पाबंदी थी वो बरकरार रखी गई है। 6 इलाहदगी पसंद ग्रुप्स हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जमाती इस्लामी पर भी चूंकि पाबंदी लगी है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत कार्रवाइयां होती हैं और मरकजी वजारत की जानिब से जब UAPA के तहत पाबंदी का ऐलान किया गया 2019 के बाद, 2024 में 5 साल की मुद्दत के लिए मजीद इसमें तौसी की गई, किसी किस्म की कोई राहत नहीं थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे बाकी भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हैं, छोटे जो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका रिकॉर्ड हुकूमत के मुताबिक मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने का रहा है, इन तमाम के खिलाफ ट्रिब्यूनल की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर। इससे पहले आपको याद होगा कि ये फैसला 6 या 7 ऐसे मुख्तलिफ ग्रुप्स थे जिन पर पाबंदी बरकरार थी। 5 साल जैसे ही मुकम्मल हुए तो क्या ये बरकरार रहेगी या नहीं, ये सवाल था। तो अब जो ऑलरेडी पाबंदी लगी थी उसको अपहोल्ड किया गया, उसको बरकरार रखा गया, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकसीम करने या फिर इलाकाई बुनियाद पर ये लड़ाइयाँ जो लड़ी जा रही थी, इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड में शामिल करने के बाद मरकजी वजारत के मुताबिक UAPA के तहत जो कार्रवाइयाँ हुई थी, बात ट्रिब्यूनल के पास गई क्योंकि ट्रिब्यूनल ये भी देख रहा था कि इन 4-5 वर्षों के दौरान ये भी देखा जाए, दोबारा से नए सिरे से मुशाहिदा किया जाए कि किस जमात का, किस तंजीम का, किस ग्रुप का क्या रिकॉर्ड है। नजरसानी के बाद हो सकता था कि फैसला खत्म किया जा सके, लेकिन अब हुआ ये कि 6 ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पर ऑलरेडी पाबंदी लगी थी, वो पाबंदी बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, ये 6 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, क्या इनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं और ये जब ट्रिब्यूनल बनाया गया था इस मकसद से कि ये देखेगा, नए सिरे से मुशाहिदा करेगा कि क्या किसी ने अपना रिकॉर्ड बेहतर करने की कोशिश की या किसी की कम गलतियां थी तो शायद उसका भी एक हो सकता है, उनको फायदा दिया जा सकता था, मगर ऐसी सूरत हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल आसिफ, जब हम देखते हैं जो मरकजी वजारत दाखिला ने जब पाबंदियां आयद कर दी उन तमाम तंजीमों पर जो अलहदगी पसंद तंजीमें थी, तो उन तंजीमों ने कहीं ना कहीं वो तंजीम भी थी जिसे जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहते हैं और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर जी जब आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप की सरबराही मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का जो हुरियत कॉन्फ्रेंस था उसमें प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट करते थे, जिसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भट्ट का नाम दिया गया। फिर एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सैयद अली गिलानी वाली हुरियत कॉन्फ्रेंस में थी तो उसको गुलाम नबी सुमजी, उसे सुमजी ग्रुप कहते हैं। फिर एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी जिसकी सरबराही कुछ और लोग करते थे और तकरीबन 8 से 9 ग्रुप ये थे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते थे और इनका बुनियादी मौकफ जो था वो यही था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलहदगी पसंद तहरीक को परवान चढ़ाया जाए। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के अंदर सन 1990 के बाद इनकी सरगर्मियां बहुत ज्यादा रहीं और उसके फौरन बाद जब 5 अगस्त के बाद पाबंदियां शुरू हुई तो इन तमाम ग्रुपों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई और इनके असासों को मुंजमद करने की भी कोशिशें की गई और लगातार ये मामला जो है वो स्पेशल ट्रिब्यूनल के अंदर भी चलता रहा जहां पर रिव्यू इनका होता रहा। अगरचे हमने देखा कि जमात इस्लामिया पर पाबंदी हुई तो जमात ने अपने मौकफ में थोड़ी सी लचक जरूर लाई, वो चुनावी दंगल का हिस्सा बने लोकसभा के अंदर, लेकिन अभी तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इन तमाम ग्रुपों के हवाले से अभी तक कोई भी इस तरीके की बात सामने नहीं आई है कि उन्होंने कोई लचक लाई है और ना ही इस तंजीम से वाबस्ता किसी बड़े लीडर का कोई बयान सामने आया है। तमाम तर खामोश है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और यही वजह है कि जो स्पेशल ट्रिब्यूनल है जो इसकी रिव्यू करता है उन्होंने उस फैसले को बरकरार रखा है जो मरकजी वजारत दाखिला ने अपना फैसला लिया था, जिसमें 18 से 19 नुकात उन्होंने सामने रखे थे कि किस तरीके से ये तमाम तंजीमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो छोटे छोटे ग्रुप्स कश्मीर सूबे के अंदर चल रहे थे, चाहे वो प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट वाला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो गुलाम नबी सुमजी वाला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो या दीगर ग्रुप्स हो, उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी फिलहाल तब तक जब तक
नेक्स्ट रिव्यू के लिए फाइल आगे नहीं आती। इश्फाक, जब से इनको कलदम करार दिया गया, रिव्यू ट्रिब्यूनल की जानिब से भी किया जा रहा था, जिम्मेदारान इसमें मसरूफ थे, लेकिन क्या कोई इस तरह की भी इतलात है कि इन तंजीमों के जो सरबराहान हैं या आज के वक्त में अगर कहीं पर हैं, कोई डेलीब्रेशन हुकूमत के साथ, वजारत दाखिला के साथ हुई है, पर्दे के पीछे कोई मुजाकरात? देखिए, अभी तक इस तरीके की कोई भी खबर सामने नहीं है और ना ही कोई बड़ा मजबूत लीडर इनमें से है जिसकी इतनी हिम्मत हो कि वो मरकजी वजारत दाखिला में जाकर अपनी केस को रिप्रेजेंट कर सके या अपनी बात को रख सके। नो डाउट इनमें सबसे ज्यादा बोलने वाले जो थे वो प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट थे, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आउटराइटली आउटस्पोकन आदमी है वो, लेकिन अब वो काफी बुजुर्ग है, बीमार भी है, इस वजह से शायद वो अपने केस को उतना ज्यादा रिप्रेजेंट वहां नहीं कर पा रहे। उनके बेटे जरूर कुछ देर तक मुस्लिम को अपनी बागडोर संभाले हुए थे, लेकिन शायद उन्हें भी उतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं रहा इसमें, इस मामले को आगे लेने में। और अभी जहां सुमजी की बात करें या दीगर लीडर्स की बात करें, अभी तक इस तरीके का कोई भी इशारा नहीं है कि इन तंजीमों ने कोई दरपर्दा मुजाकरात शुरू की हो या इस ट्रिब्यूनल के साथ कोई राबता किया हो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमारी पाबंदियां जो आपने लगाई हैं ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है और इसमें इस तरीके का नहीं होना चाहिए। देखिए, जमात का जहां तक ताल्लुक है, जमात का एक अलग मौकफ था। 1990 से पहले उन्होंने 84 के चुनाव में भी हिस्सा लिया था, एक कहीं ना कहीं बुनियादी मौकफ जमहूरियत का उनका था। लेकिन इन जैसी तंजीमों ने जो 1990 में पैदा हुई है या 1990 के आसपास जिनको बनाया गया है, जब शोरिश जम्मू कश्मीर के अंदर थी, इनके अंदर वो डेमोक्रेटिक मिजाज की कोई बात ही नहीं थी, कश्मीर की अलहदगी की बात हो रही थी, तो शायद ये एक बुनियादी वजह है कि वो अपने केस को उतना ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उतना कोई बड़ा काडर उनका था जहां पर उनको कहा जाए कि ये पोल मैनेजमेंट कहीं पर कर सकते हैं और अगर वो चुनावी दंगल का हिस्सा तो कहीं से जीतेंगे। इस तरीके का भी कोई मास लीडर इनमें से नहीं है, तो शायद यही वजह है कि सबने खामोशी इख्तियार की और मरकज ने अपनी पाबंदी बरकरार रखी। बहुत बहुत शुक्रिया इश्फाक, तफसीलात मुकम्मल तौर पर फराहम करने के लिए। फिलहाल 6 मुख्तलिफ ग्रुप्स जिन पर कई मरतबा इसी प्रोग्राम के जरिए आपके सामने हमने खबरें रखी, बताया कि इन पर पाबंदी जो थी वो बरकरार रह सकती है, रहेगी। तो आज फिलहाल आइंदा जब तक रिव्यू नहीं होता तब तक इन पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला हुआ है ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद। ये वो मुख्तलिफ तंजीमें जो इश्फाक बता रहे थे, मुसल्ला शोरिश का या जो कश्मीर सूबे में बदमनी के लिए इन तंजीमों को जिम्मेदार माजी में ठहराया जाता रहा है, अब वजारत दाखिला के पास इसके मुनासिब एविडेंसेज होंगे तो उस बुनियाद पर रिव्यू होता है और ऐसी चीज़ें नहीं आती कि जहाँ से थोड़ी सी भी लगाम ढीली की जा सके। बहरहाल इस